स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी की किताब में पाठ 14 का अभ्यास कार्य किया था। आज हम इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। आप सभी अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। दिनांक पाठ 14 और पाठ का नाम ज्ञान का महत्व। इसके बाद आप लिखिए कठिन शब्द। कठिन शब्द आपको बोल बोल कर लिखने हैं ताकि आपको ये याद हो सके। पहला है ब्राह्मण। पहला शब्द है ब्राह्मण। दूसरा है बहुमूल्य। तीसरा है शास्त्र। अगला है नर्कगामी। स्मृति। इसके बाद है अगला पंक्तियां। पंक्तियां के बाद है सातवां नंबर निर्धनता। सातवां नंबर है निर्धनता। आठवां नंबर है अभिवादन। नौवां नंबर है शास्त्रीय। और दसवां नंबर है प्रसन्न। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है बहुमूल्य, तीसरा है शास्त्र, चौथा है नर्कगामी, पांचवा है स्मृति, इसके बाद है पंक्तियां, अगला है निर्धनता, अभिवादन, शास्त्रीय और प्रसन्न। ये सभी कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इसके बाद आपको कॉपी का पेज पलटना है। इसके बाद आप लिखिए शब्दार्थ। पहला नंबर है विद्वान। विद्वान का अर्थ होता है पंडित। विद्वान का अर्थ होता है पंडित, जिसको बहुत सारी जानकारी होती है। दूसरा है निश्चय। निश्चय का अर्थ होता है संकल्प। निश्चय का अर्थ होता है संकल्प। तीसरा है स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। सोना जो धातु होती है वो है ये स्वर्ण। चौथा है बहुमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती। बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती। इसके बाद है पांचवा शास्त्र। शास्त्र का अर्थ होता है प्राचीन ग्रंथ। शास्त्र का अर्थ है प्राचीन ग्रंथ। अगला है छठा नंबर स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याददाश्त। स्मृति का अर्थ होता है याददाश्त। अगला है उचित। उचित का अर्थ होता है सही। उचित का अर्थ होता है सही। आठवां नंबर है बोध। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। नौवां नंबर है राह। राह का अर्थ है
प्रचुर का है अर्थ है बहुत, प्रचुर का अर्थ होता है बहुत। विद्वान, विद्वान का अर्थ होता है पंडित जिसको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है संकल्प। स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना। बहुमूल्य, बहुमूल्य का अर्थ है कीमती। शास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है प्राचीन ग्रंथ, जो पुराने ग्रंथ होते हैं वो होते हैं शास्त्र। स्मृति, स्मृति होती है याददाश्त। उचित, उचित का अर्थ होता है सही। बोध, बोध का अर्थ है ज्ञान। राह, राह का अर्थ है मार्ग। प्रचुर, प्रचुर का अर्थ है बहुत। ये सभी शब्दार्थ का कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में करने हैं और इन्हें याद भी करना है।